हेलो बच्चों, लेट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम द सेवेंथ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ जो कि बाल्मर सीरीज के अंदर हो, जब एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिटर्न कर रहा है, सेवेंथ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट बनाया, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकेंड बना लिया, इसी तरीके से आपने थर्ड बना लिया, इसी तरीके से आपने फोर्थ बना लिया, इसी तरीके से आपने फिफ्थ बना लिया, इसी तरीके से आपने सिक्स बना लिया, और इसी तरीके से आपने क्या करना है, सात सेवेंथ बना लिया, ठीक है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे एन बराबर आपका एन वन बराबर है वन, एंड इसके बाद आपका ये एन टू है जो मैक्सिमम वाला सेवेंथ वाला है ना। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो एन वन होगा बच्चों, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू। तो एक तो होगा बच्चों क्या, कि सात से भाई एक में आ रहा हो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, सात से दो में, है ना। ये यहाँ से हमारा इसमें आ गया, तो हमको ये वाला कंसीडर करना है केवल, ठीक है। ये हो गया एक। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ से छह से दो में आएगा उसको कंसीडर करेंगे, इस तरीके से पांच से दो में आएगा उसको लेंगे, चार से दो में आएगा उसको लेंगे, और तीन से दो में आएगा उसको लेंगे। तो एक दो तीन चार पांच, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आ गई बच्चों हमारी, तो पांच स्पेक्ट्रल लाइन आ गई। बट अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालना चाहते तो कैसे निकलते, तो NH माइनस में NL कर देते बच्चों इस तरीके से। अगर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीरीज के लिए निकाल रहे, जैसे बाल्मर सीरीज के लिए होता तो वहां पे NL की वैल्यू क्या होती बच्चों, आपकी टू रहती, ठीक है। तो NH माइनस में टू तरीके से करते, तो सेवन माइनस में टू करते तो आपका फाइव आ जाता, ठीक है बच्चों। तो फाइनल आंसर विल बी द फाइव। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।